सेठ जैसी गलतियां करती हैं, असुर अपने आप आपसे दूर हो जाता है। नमस्ते।
नमस्तस्यै नमो नमः। आइएगा, हाँ हाँ, सत्यम भैया, राकेश भैया, एक दोनों को लेकर के कर रही हूँ। आइए, माता ने वरदान क्या मांगा है सुनिएगा।
सुनेगा अलड़ी अंदर भैया सुनेगा अरे सुन के प्राणनाथ की वाणी बोली सखी सयानी बोलने लगी क्या बोल रही है क्या तो अंध्र भद्रकाली बन जाए हे प्रभु सुनिए पहले सुनिएगा और का फिर लिखिए अरे रोम रोम मैं तुम्हें बसाऊं भगवान जी कहने लगी कि जब आप कन्हैया बनकर के द्वापर में आएंगे तो मैं अरे रोम रोम मैं तुम्हें बसाऊं अरे बरसाने मैं रहस रचाऊं लेकिन और भी कुछ कह रही हूँ अरे पड़े ना बाधा बनो जो राधा अदरिया सस्ते हो भैया हाँ तो कहना पड़ा क्या अरे पड़े ना बाधा पदो जो राधा को मुरली मधुर बजाओ समझ के बेटे शाबाश भैया मैं चाहती हूँ क्योंकि अगर मैं मुरली बजाऊंगी कन्हैया बनकर के और आप जब राधिका के रूप में अवतरित होंगे तो आप चाहे वो कहीं भी होंगी लेकिन आप दौड़ कर के मेरी बंसी के पास दौड़ी चले जाओगे इसलिए सुनो सुनो महादेव अरे पड़े ना बाधा बनी जो राधा मुरली मधुर बजाओ लेकिन प्रभु एक बात कह रही हूँ अरे पड़ी जो राधा होता क्या है क्या रे
नहीं है। सुनिए कह रहे हैं भोले बाबा, लेकिन अगर मैं राधिका बनूंगा तो तुम्हारे साथ क्या करूंगा? अरे नूतन देकर तुम्हें रिझाऊं। नूतन मतलब दही की छाछ। ये कन्हैया भवानी से कह रहे हैं कि भवानी सुनो सुनो, अरे नूतन देकर तुम्हें रिझाऊं, दही नहीं बल्कि दही की छाछ को लेकर के मैं नाच नचवा लूंगी। अरे नूतन देकर तुम्हें रिझाऊं, पापा थैया नाच नचाओ। लेकिन और सुनो, अरे घटपन घटपट यमुना पट पर पंसी पट घटताओ। बोले भूत बाबा भोलेनाथ कहने लगे, तुम्हें इतनी सी छाछ के लिए मैं कहां से कहां लाऊंगा? सुनो, अरे बंसी तट पर घटपन घटपट यमुना पट तट बंसी पट भटकाओ। अरे डूबे पुल में बने कन्हैया तो मैं राधा बनता। क्योंकि जवाबी मैटर यही से शुरू करनी है। अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, जैसे ही वो तो अभी आपके लिए था लेकिन अब आपके लिए आ रहा है। अंतरे का जो अंतिम चक्र है वो आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ, ये समझे। सुनिएगा, I'm sorry.
मौजूद था, भगवान कन्हैया के जो अजीज मित्र थे मनसुखा, समझो जो मनसुख थे वो कौन बने, वो बात समझ में नहीं आई है। और हालांकि मैंने यही तक पढ़ा है और जितना पढ़ा है तो सुनिएगा, सुनिए। अरे मनसुख कौन बनावे क्यों सब बात समझना खाओ, कन्हैया तो मेरा कि हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले माँ, सबसे पहले भगवान गणेश, और मैं इसके बाद माँ, और मैं भी कहता हूँ कि गणेश भगवान भी ना होते अगर माँ ना होती। बिल्कुल। तो अगर महानता दे दी गई है तो कहना है क्या तो सब लोग गाते हैं, मां को बुलाते हैं, पर देखिए मां के लिए कहना है क्या कि भगवान की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, भक्त के हुओ को
तुम्हें ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगी। तुम आज चाहे जहाँ कहीं भी हो, आज तुमको आना पड़ेगा। कैसे? कैसे? इस हमारे सर्वे भैया और हमारे श्री पप्पू पंडित पप्पू शर्मा जी आप लोग से 201 पप्पू लाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू साहब। और किसी भैया जी की तरफ से ये लो बेटा प्रमोद पुरस्कार। एक भैया जी की तरफ से 51 पप्पू लाए हमारे नाम विसर्जन करे भाई भाई सुंदर भैया की आए थे। और जो इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट दिखाएं का यूट्यूब के माध्यम से माने बड़े भैया विजय मिश्रा जी बचाव वाले आई गोल्ड आईपीओ आप हमसे 51 रुपए हमारे जो नाल भी संगत कर रहे हैं माने सुंदर भैया के लिए आइए सुनेगा मास कहना भैया। साहित्यकार का कथन
ये है देसी साग। कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा सिलो गाओ, कुछ लोग कहते थोड़ा आराम से गाया करो, आपकी हारमोनियम बहुत तेज बजती है, ढोलक बहुत तेज बजती है। तो मैंने उस ये सत बात है, हम लोग राज्याभिषेक करने के लिए जब पर्रा छह पहुंचे तो वहां पे कोई वकील साहब थे और जो लोग बड़े लोग होते हैं वो आराम का गाना बजाना पसंद करते हैं। बिल्कुल आराम आराम से गाना बजाना हो तो कहा था भैया को भाई उमंग आगे उन्होंने दिया लगा दी जो लगाते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब ऐसे मत बताइए क्योंकि हमको थोड़ा प्रॉब्लम है उसकी कि हमें ज्यादा धुन पसंद नहीं है। तो मैंने उनसे कहा भाई साहब आप सिर्फ सुनते रहिए, आप भूल जाएंगे कितनी दिया लड़की लगी थी। और चार घंटे हमारे जितने भी राज्याभिषेक किया वो पैसे देते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई साहब आपने क्या बजाया और क्या नहीं बजाया, वो बस मगन होकर सुनते रहे क्योंकि ये ऐसी साथ बार है उसमें जो रस आता है वो विदेशी साथ बार जो नहीं है। सुनिए कहते हैं शिवाला बनाइए इंसान
थोड़ा आला बनाइए तब गाना कहने लगा। क्या क्या कहने लगा बेटा गाना? बिल्कुल अब आपको पता हो तो आप बताइए। बिल्कुल बड़ी बहन है बेटा। कि आप लिख के लाइए, आप बता देंगे तो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जो नहीं आता सो नहीं आता, हम भगवान थोड़ा कि हमको सब कुछ आएगा। बिल्कुल बेटा, पर गाना सुनिए। धीरे धीरे आएगा ये। अरे शादी
तुझसे शादी इनसे ना हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं। आप ठीक है मिश्रा जी? आप सही, आप मुस्कुराए हैं मिश्रा जी, मुस्कुराए सही, ये तो यही चाहते। इसने जो नहीं आता सो नहीं आता, जो आता पूरा सही सही आता है। अगर आप केस करें तो केस कर दें, ये इससे भी नहीं डरते हैं। सुनिएगा, सुनाइएगा बड़े राकेश भैया आदरणीय, एक किलोमीटर किलोमीटर क्या है लाए गए। क्या बात है राकेश भैया, मंच की तैयारी करते हैं। असुर बने मेरे भाग तो मैं असुरारी बन जाऊं। कैसे क्या लिखते हैं आप? अपने इन दोनों जा संकट से बचाऊं, और असुर बने यदि भाग मेरे मैं असुरारी बन बहनी सुनेगा। देखिए कोई आ रहा है, समझते रहिए आपके यहाँ
शंकर जी और पार्वती आ रहे हैं। मेरे यहाँ देखिए एक अवतार और है कन्हैया का, एक अवतार विष्णु जी ने दिया। और सुस्ताल बनकर आए तो अरे सुनिए आगे कथा निराली, सह न सके शिशुपाल की गाली। अरे सुनिए आगे कथा निराली, सह न सके शिशुपाल की गाली। तातियासर छत से उसका पति है तू बताओ, मनु भैया आप एक अच्छे कलाकार हैं और बस बात यह है कि आज आप आ गए तो आपको क्या पता कहाँ क्या लगाना है इनके साथ सीख जाएंगे। बाकी जो इनके साथ थे उनको बड़ी कोशिश करनी चाहिए थी कि क्या लगना चाहिए था, देखिए कैसे। तो असुर बने यदि भाग मेरे कलाकार को वैसे भी जवाब समझ अच्छा लगता नहीं है और बाकी हमारी पब्लिक को समझ में आ गया है। आइए एक गाना, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। क्या बात है।